हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। सो आज के स्टूडियो में बताने वाले हैं बीबीओ यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग हिस्ट्री कोर 8 का सेमेस्टर 4 वालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का 7 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें डबल टिकॉट किया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिंगल टिकॉट है उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको दोनों पढ़ के जाना है, जिसमें सिंगल टिकॉट किया गया वो भी और जिसमें डबल टिकॉट किया गया वो भी, ठीक है। बट आपको पहले पढ़ना डबल टिकॉट वाला, उसके बाद सिंगल टिकॉट वाला। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर पहला, दिल्ली सल्तनत के स्रोतों का वर्णन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये आपका निश्चित आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको पहला करना है, ठीक है, उसके बाद टाइम बचता है तब आपको सिंगल टिकॉट वाला करना है। अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते जो इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये विद्या गेस का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको प्रीवियस ईयर वगैरह बहुत सारा देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा आने की संभावना है, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का परीक्षण करें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है, तो ये सब क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आपके पास जो टाइमिंग बहुत कम है तो सबसे पहले आपको डबल वाला करना है, उसके बाद सिंगल टिकॉट वाला। चलते क्वेश्चन नंबर 7, फिरोज तुगलक के सुधारों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इंपॉर्टेंट है, सल्तनत कालीन वस्तुकला पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन नंबर 9, एकता पद्धति का वर्णन करें। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, मंगोल आतंक पर प्रकाश डाले। अगर आपके पास टाइम बच पाता तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कर ले, थोड़ा हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। बट अगर जिसमें मैंने सिंगल टिकॉट और डबल टिकॉट किया, अगर आप इतना करके चल जाते हैं तो निश्चित है कि आपको 3 मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 1 और 11 ही आपको पढ़ के ही जाना है हर हाल में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।